गाइस वेलकम टू सस पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले विजन एस की करंट अफेयर्स जो कि हमारी अगस्त मंथ की है। तो कल हमारी यहाँ पे पॉलिटी एंड गवर्नेंस की दो टॉपिक कंप्लीट हो गई है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं और जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक है उसे मैं आज कंप्लीट करा देती हूँ। सबसे पहले देखेंगे कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है, तो एक्चुअली ये बिल फिर से लाया जा रहा है। चलिए देखते हैं, एक्चुअली 2018 से ये बिल आ रही है प्रोटेक्शन, हमारी डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, बट अब तक ये एक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो एक बार मैं फिर से ओवरव्यू दे दूँगी, आपका एक रिविज़न हो जाएगा अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हो पहले से ही। तो बस देख लेंगे, जब तक ये कानून नहीं बनता है तब तक इस तरीके के बिल को पढ़ने का कोई फ़ायदा होता नहीं है, बट फिर भी एक बेसिक चीज़ें होती है जो आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद सोशल मीडिया सेंसरशिप एंड रेगुलेशन देखेंगे कि क्या क्या यहाँ पे रेगुलेशंस लाए गए, एंड जितने भी यहाँ पे न्यूज़ शॉर्ट्स में है उसे हम लोग कवर करेंगे। तो आई होप कि आप लोग फर्स्ट लेसन ज़रूर देख ली होगी। आई बटन पर मैं यहाँ पे पुट कर दूँगी, आप लोग जो है क्लिक करके देख लेना। साथ ही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो आज से स्टार्ट हो चुका है फॉर 67 BPSC, और अगर इसके आगे भी आप लोग BPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो तो GS के लिए बहुत ही अच्छी है। आप लोग के पास 50 डेज चैलेंजेस के साथ में यहाँ पर आई हूँ, जिससे कि आप लोग की अच्छे तरीके से एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगा, साथ ही साथ आपके पास एक गुड कलेक्शंस ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर के हो जाएंगे। ठीक है, जिसको भी ज्वाइन करना है कमेंट बॉक्स में जो ईमेल आईडी दी गई हो उस ईमेल आईडी में आप लोग मेल करके फर्दर जो भी क्वेरीज है वो आप लोग वहाँ पर पूछ सकते हो। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में। फिर से रिसेंटली क्या हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है इसको विड्रॉ कर लिया गया है। ठीक है, तो अब ये एक अलग ही बात निकल कर आती है, बट ठीक है कोई बात नहीं, चलिए ये तो चलते रहता है। बेसिक फैक्ट्स हम लोग समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया गया था राइट टू प्राइवेसी का। जैसे कि आपको पता है कि राइट टू प्राइवेसी आज के डेट में हमारा फंडामेंटल राइट है जिसको प्रोटेक्ट किया गया है पार्ट थर्ड में। तो यहाँ पर JS के जस्टिस जो KS कुट्टास्वामी हैं, जो कि आज के डेट में रिटायर्ड है जस्टिस, वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस है 2017 में, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये ऑर्डर दिया गया था कि राइट टू प्राइवेसी अब यहाँ पे हमारा राइट टू लाइफ का पार्ट है और पर्सनल फ्रीडम का, जो कि आर्टिकल 21 के तहत आता है। ठीक है, साथ ही इसी जजमेंट के लाइट में यहाँ पे ये भी कहा गया था कि कैसे लार्ज टेक प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो हमारे पर्सनल डेटाज को प्रोटेक्ट तो नहीं कर रहे, कैसे हैंडल कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको पहले से भी बता रही हूँ कि एक्चुअली ये आइडिया कहाँ से आया कि हमारे देश के जितने भी यूज़र्स हैं, आपके भी बहुत सारे प्रोफाइल होंगे, चाहे वो फेसबुक में हो, इंस्टा में हो, कहीं पे भी जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं आप लोग यूज़ करते हो, आपके प्रोफाइल होते हैं, आप उसमें अपनी पर्सनल डेटा को शेयर करते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि क्या वो पर्सनल डेटा सच में कहीं सिक्योर है या फिर वो उसको बेचा खरीदा जा रहा है जस्ट लाइक अ डेटा। तो आपका जो भी पर्सनल प्रोफाइल है या फिर उसमें कोई भी आप अपना जो भी डेटा वगैरह इनपुट कर रहे हो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के थ्रू सेल परचेज़ हो रहा है, दिस इज़ ट्रू। ओके, तो ये ऑलरेडी पहले भी हो चुका है 2017 में, फेसबुक के जो फाउंडर है मार्क जुकरबर्ग उनके द्वारा ये कमिट किया गया है कि हाँ उन्होंने एनालिटिका जो कैम्ब्रिज एनालिटिका है उनको यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस प्रोफाइल जो है जो फेसबुक में है उनको उन्होंने बेचा है। तब इसके बाद ही ये एक कंसर्न निकल कर आया कि हमारे देश में भी हमारे देश के जो यूज़र्स हैं उनके डेटा को प्रोटेक्ट करना होगा। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे उन्होंने बेचा, तो एक्चुअली जो भी आप फेसबुक वगैरह यूज़ करते हो तो उसका मेन सर्वर US में है, क्योंकि वहाँ के जो फाउंडर है उनके द्वारा इसको चलाया जा रहा है। तो जहाँ पर भी सर्वर है वहाँ पर डेटा स्टोर हो रहा है, हमारे इंडिया में तो एज सच कोई सर्वर है नहीं, तो इसलिए हमारे यहाँ हमारे इंडिया में डेटा स्टोर नहीं होता है, डेटा जो स्टोर होता है वो US में होता है। सो दैट्स वाई यहाँ पे US के पास पूरी तरीके से एक आप समझ सकते हो कि उनके पास हमारी डेटा है तो वो उसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे उसी के लाइट में जब ये केस हो चुका था कि हाँ ऐसा कुछ हमारे डेटा को बेचा जा रहा है, सेल परचेस किया जा रहा है, तो उसके बाद ही इस चीज़ को लाया गया कि क्यों नहीं हमारे देश में भी एक पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन करके कुछ कानून होना चाहिए, तब यहाँ पे लाया गया। उसके बाद आप देखो कि 2018 में श्री कृष्ण कमेटी के द्वारा अपनी रिपोर्ट सबमिट की गई, उनके द्वारा ये जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है इसको ड्राफ्ट किया गया और ये सबमिट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। फिर 2019 में क्या हुआ कि बिल को यहाँ पे पार्लियामेंट में रखा गया, फिर बाद में इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री जो कमेटी होती है उनको ये भेजा गया फॉर स्क्रूटनी। तो जॉइंट जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उन्होंने अपनी रिपोर्ट को नवंबर 2021 में सबमिट किया। फिर गवर्नमेंट के द्वारा ये स्टेट किया गया, ये कहा गया कि जो बिल है अब इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड के द्वारा इसको रिप्लेस किया जाएगा। इट मीन्स अब ऐसा कहा जा रहा है कि चलिए ठीक है इसमें जो भी बातें हैं उसको माना जाएगा, बट अब इसके अलावा कुछ और कानून आएंगे जिसमें कि डिजिटल प्राइवेसी लॉज भी रहेंगे फॉर कंटेम्प्रेरी एंड आगे आने वाले फ्यूचर चैलेंजेस जो भी होंगे उनके लिए। तो अब इस बात को कहते हुए ये जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है इसको रिप्लेस कर दिया गया है।
अभी क्यों हम लोग समझेंगे कि इस बिल को क्यों ऐसा लग रहा है कि इसको विड्रॉ कर लेना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि रेडिकल ओवरहॉल सजेस्टेड बाय जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। एक्चुअली हुआ क्या है कि देखिए, जब से ये बिल को लाया जा रहा था तब से यहाँ पे जो भी पार्टीज़ है, जो भी यहाँ पे मेंबर्स है, मिनिस्टर्स है, उनके द्वारा बहुत रिकमेंडेशन दिए जा रहे थे कि इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स करने की ज़रूरत है। तो नंबर ऑफ़ अमेंडमेंट्स है, काफ़ी रिकमेंडेशन दिया गया, काफ़ी करेक्शन किया गया यहाँ पे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमीशन के द्वारा, कमेटी के द्वारा। तो गवर्नमेंट को लगा कि क्यों नहीं हम लोग एक बिल ही ले आए जिसमें कि बहुत सारे जितने रिकमेंडेशंस है, जो भी यहाँ पे अमेंडमेंट है, उन सबको इकट्ठा करके एक अलग सा बिल हम लोग इंट्रोड्यूस करें। सो दैट्स वाई ये इसको विड्रॉ कर लिया गया। सेकेंड की हाई कंप्लाइंस कॉस्ट है। देखिए, जो टेक इंडस्ट्री है, स्पेशली जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं, उनके द्वारा काफ़ी इश्यूज रेज किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, कि जो हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे सर्वर होना चाहिए, हमारे यहाँ के जो यूज़र्स हैं उनकी डेटा को हमारे यहाँ सेव करना है, तो उसके लिए हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बूस्टअप करना होगा। तो जो कंप्लायंस कॉस्ट होगा ना, वो बहुत हाई होगा। इसको लेकर भी ये एक लगा कि चलो कुछ ऐसा लाते हैं जो इसका बेटर ऑल्टरनेटिव हो। सेकेंड है कि बैलेंसिंग डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी। एक साइड हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए अपने देश में कि राइट टू प्राइवेसी को हम लोग फंडामेंटल राइट बना दिए। दूसरी साइड हम लोग ये कह रहे हैं कि लोगों की जो प्राइवेसी है उसको हम लोग को प्रोटेक्ट करना है, जो डेटा है उसको हम लोग को प्रोटेक्ट करना है। तो इसके बीच में एक बेटर तरीके का हम लोग को यहाँ पे बैलेंस करके चलना होगा। और सबसे पहली बात है कि हमें डेटा लोकलाइजेशन पे फोकस करना है। इट मीन्स कि डेटा को हम लोग कहाँ लोकलाइज कर रहे हैं, हमारे इंडिया में डेटा अगर सेव हो रहे हैं तो उसको हम लोग डेटा लोकलाइजेशन इन इंडिया कहेंगे। हार्डवेयर ऑथेंटिसिटी क्लॉजेस यहाँ पर लगाए जा रहे हैं जो कि डेटा प्रोटेक्शन के बियॉन्ड जा रहा है। साथ ही कंसर्न है जो कि अपोजिशन के द्वारा यहाँ पर रेज किया जा रहा है। तो ये भी कई बार आरोप लगाया जाता है कि जो कानून है इसमें सरकार को बहुत ज़्यादा पावर दे दिया गया है कि वो किसी भी इंडिविजुअल के पर्सनल डेटा को एक्सेस कर पाएंगे, तो ये भी एक प्रॉब्लम वाली बात है। साथ ही नॉट अलाइन विद चेंजिंग टेक्नोलॉजी लैंडस्केप, ये भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे इशूज़ है, जैसे कि एथिक्स हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रैंसमवेयर है जो कि बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, क्रिप्टो हो गए, NFTs हो गए। तो इसमें भी ये देखने को मिल रहा है कि आज के डेट में जितने भी यहाँ पे टेक्नोलॉजीज आते जा रहे हैं उनके कारण हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कि और भी ज़्यादा परेशानी बढ़ते जा रही है, उसके तहत हम लोग कंप्लायंस नहीं कर पा रहे हैं। ओके, साथ ही कंसर्न है जो भी यहाँ पे सिविल लिबर्टीज़ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रेज किया गया, किस तरीके की जो बिल है वो नॉन कंसेशनल जो प्रोसेसिंग करते हैं पर्सनल डेटा को, उनके द्वारा यहाँ पे अलाउ किया जा रहा है। इट मीन्स कि आप समझ सकते हो कि यहाँ पे पर्सनल डेटा को जो है नॉन कंसेशनल प्रोसेसिंग के जैसा यहाँ पे आप देखो कि स्टेट के द्वारा यहाँ पे अलाउ किया जा रहा है। तो ये सारे कुछ इश्यूज हैं यहाँ पे। वे फॉरवर्ड में कहा गया है कि जो न्यू डेटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन है इनको यहाँ पे एक कंसिडरेशंस लेना चाहिए, जैसे कि बहुत सारी सिविल सोसाइटी के द्वारा यहाँ पे जो है रेज कर दिया गया, यानी कि आप देखो कि सिविल सोसाइटी हो गए, प्राइवेट सेक्टर हो गए, इनके द्वारा बहुत सारे कंसर्न को रेज किया जा रहा है। तो ये एक यहाँ पे देखना होगा कि हाँ, आज के डेट में डेटा प्रोटेक्शन जो है उसके लिए कानून के लिए, डेटा प्रोटेक्ट करने के लिए जो कानून है इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। साथ ही बेस्ट प्रोविजंस और प्रैक्टिसेस, जो ग्लोबल एक्सपीरियंस है, जैसे कि आप देखो हमारे यहाँ जो ये लाया जा रहा है डेटा प्रोटेक्शन, इसको हमने कोई नया इनोवेशन किया नहीं। ये जो आपका यूरोपियन यूनियन का जेंडर डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है उसी को हम लोग कॉपी किए थे। साथ ही सिंगापुर की जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है उसको भी इससे भी हम लोग को सीखना चाहिए कि क्या क्या प्रोविजन हमारे देश में होना चाहिए। साथ ही हमें यहाँ पे इंगेज करना होगा ग्रेटर जो स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस है, साथ ही हम लोग एक्सपर्ट्स का भी यहाँ पे व्यू लेना होगा कि किस तरीके से हम लोग जो है कानून फ्रेम करें। अब ये जो नया बिल है ना, इसमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड की ज़रूरत होनी चाहिए कि जितने भी स्मॉल और छोटे स्टार्टअप्स हैं उनको भी यहाँ पे एक अच्छा मौका मिले, जिससे कि वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड जैसा काम कर सके। यानी कि आप ये समझो कि हाँ, लेवल प्लेइंग फील्ड कहने का मतलब है कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं और जो छोटे प्लेयर्स होते हैं, इसमें छोटे प्लेयर्स को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। तो दोनों के बीच में एक बैलेंस लेकर चलना है, ठीक है। सो ये सारी बातें यहाँ पे कही जा रही है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को क्यों नहीं उसमें, क्योंकि इसको हटा दिया गया है, और क्यों हटाया जा रहा है इसका रीज़न पता होना चाहिए। चलिए आइए नेक्स्ट आते हैं, सोशल मीडिया सेंसरशिप एंड रेगुलेशन। अब यहाँ पे समझे तो जो ट्विटर की ग्लोबल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट है उसके द्वारा ये कहा गया है कि जो लीगल डिमांड है इंडिया के द्वारा जो बनाया जा रहा है कि कुछ कंटेंट को आप ट्विटर से हटाओ, तो इसकी जो डिमांड आप देखो बहुत ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है। तो इस तरीके से आप देखते हो कि हर दिन हर समय आप देखते हो कि कहीं ना कहीं एक ये मुहिम चलता है कि इस कंटेंट को यूट्यूब से हटा दो, इस कंटेंट को ट्विटर से हटा दो, इस कंटेंट को इंस्टा से हटा दो। तो ये सारी चीज़ें जो चल रही है इसी के लिए यहाँ पे आपका जो है सेंसरशिप और रेगुलेशंस लाया जा रहा है।
इंडिया आप समझो कि फोर्थ स्पॉट में है जिसमें ब्लॉकिंग ऑर्डर्स दिया गया है 2014 से 20 के बीच में। इट मीन्स कि जापान, टर्की और रशिया के बाद हम लोग यहाँ पे फोर्थ रैंक में आते हैं, जिसमें कि हम लोग बार बार आप देखते हो कि कुछ कंटेंट को हम लोग ब्लॉक कर देते हैं, चाहे वो ट्विटर में हो, फेसबुक में हो, इस तरीके से। बट यहाँ पे हम लोग ट्विटर की बात कर रहे हैं। 2014 से लेकर 20 के बीच में क्या है कि गवर्नमेंट के द्वारा गूगल को ये ऑर्डर दिया गया कि बहुत सारे कॉन्टेंट जो है वो अपने सर्विस से हटा लें, जैसे कि सर्च इंजिन से हटाए, यूट्यूब से हटाए, जीमेल से हटाए, ब्लॉगर से हटाए। तो ये एक प्रॉब्लम है। साथ ही रीज़न ये कहा जा रहा है कि ऐसे कंटेंट है जिसमें कि सरकार की निंदा की जा रही है, किसी का डिफेमेशन हो रहा है, या फिर कोई एडल्ट कंटेंट है, या फिर इम्पर्सनेशन है किसी भी तरीके का, तो इस तरीके से यहाँ पे कंटेंट को हटाने की रिक्वेस्ट की जा रही है। टॉप फोर कंट्रीज़ दे सकते हैं जो कि यहाँ पे गूगल को ऑर्डर करते हैं कि कंटेंट हटाइए। सबसे पहले जापान है, फिर टर्की है, रशिया है, एंड फोर्थ नंबर पर यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। तो देखिए, सोशल मीडिया को रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? तो सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पे सोशल मीडिया अगर रेगुलेट नहीं होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया एक आज के डेट में एक ऐसा मीडियम बन चुका है जिससे कि आप किसी भी चीज़ को बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हो, कोई भी तरीके का इंफॉर्मेशन, न्यूज़ बहुत ही आराम से। तो इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं अगर हमारे सोसाइटी में डिसरप्शन हो रही है तो उसको चेक करना ज़रूरी है। तो आपको पता है कि हमारे इंडियन सोसाइटी बहुत ही डाइवर्स इन नेचर है, और ये हैम्पर हो सकता है क्योंकि जिस तरीके से पोलराइजेशन बढ़ते जा रही है सोशल मीडिया का। आज के डेट में आप देखते हो कि सोशल मीडिया में फेक न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो उस फेक न्यूज़ के चक्कर में बहुत सारे लोग आ जाते हैं जिनसे कि उनका जो पर्सनल और जो प्रोफेशनल लाइफ है वो इम्पैक्ट होता है। फॉर एग्जांपल, ये कहा जा रहा है कि नॉर्थ ईस्टर्न सिटीजन्स के अगेंस्ट में आप देख सकते हो कि हेट क्राइम्स जो है दिल्ली में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, जस्ट बिकॉज ये सारे जो फेक न्यूज़ है और जो गलत तरीके के र्यूमर फैलाए जाते हैं उसके कारण। साथ ही फेक न्यूज़ को कर्टेल करना अगर हम लोग देखें तो जो भी फेक न्यूज़ है सोशल मीडिया में, इससे क्या होता है कि बहुत सारे वायलेंस बढ़ रहे हैं, रेडिकलाइजेशन आ रहा है, फियर आ रहा है लोगों में। इवन आप देखते हो कि मॉब लिंचिंग जैसी जो घटना होती है कि भीड़ जो है किसी को भी मारते हैं, पीटते हैं, तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि फेक न्यूज़ के कारण, जो र्यूमर फैलती है उसके कारण। उनको भी नहीं पता होता है कि क्या इसमें सच्चाई है, कितनी गलत है, बट हाँ, ये फेक न्यूज़ के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। साथ ही जो केस है साइबर स्टॉकिंग का, इसको मिनिमाइज़ करना होगा। आपको लग रहा है कि आप जो भी चीज़ें यहाँ पे यूज़ कर रहे हो या फिर कोई भी आप ऐप यूज़ करते हो बहुत ही फ्रीली कर रहे हो, कोई आपको देख नहीं रहा, बट ये गलत है। साइबर स्टॉकिंग ऐसा है कि कोई आप पे ज़रूर नज़र रख रहा है कि आप अपने मोबाइल में क्या क्या चीज़ें देख रहे हो। इवन आप देखते हो कि कोई भी अगर आप शॉपिंग ऐप ओपन करते हो, चाहे वो आपका मिंत्रा हो, फ्लिपकार्ट हो, कुछ भी चीज़ें अगर आप सर्च करते हो, फिर आप वापस आओ और गूगल में कुछ ऐसे ही सर्व करो, तो आपको रिकमेंडेशन में वही सारी चीज़ें आपको नीचे दिखेगा, ऊपर दिखेगा, पॉपअप में दिखेगा। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आपके ही मोबाइल में आपको ही कोई स्टॉक कर रहा है और ये देख रहा है कि आप क्या खरीदने, क्या परचेज़ करना चाह रहे हो, आपको क्या पसंद है, क्या लाइक्स है, डिसलाइक्स है, वही सारी चीज़ें आपको रिकमेंडेशन में देता है। तो ये साइबर स्टॉकिंग भी बहुत बड़ी चीज़ है जिससे कि आप देखो कि बहुत ज़्यादा क्राइम वगैरह हो रहे हैं। साथ ही यहाँ पे आप देखो प्रिजर्विंग डेमोक्रेसी, यानी कि जो वर्ल्ड है आज के डेट में वर्स्ट एग्जाम्पल का यहाँ पे एक एग्जाम्पल बन चुका है, जिसमें कि हम लोग देख रहे हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का इम्पैक्ट जो कि हमारे सोसाइटी में हो रहा है। तो वैसे भी हम लोग देख रहे हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो इम्पैक्ट है वो बहुत बुरा होते जा रहा है हमारे सोसाइटी में। अब देखते हैं कि ये जो रेगुलेशन की बात की जा रही है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो हमारा 2020 का है, इससे कहा जा रहा है कि हमको सोशल मीडिया को रेगुलेट करना चाहिए। तो इसका क्या, कहाँ से ये इवोल्यूशन आया? तो ये जो कानून है ये आप देखो हमारे पूरे इंडिया में ही इम्प्लीमेंट होता है, इसको पूरी तरीके से इसको अप्लाई किया जाता है। साथ ही जो इसके प्रोविज़न है वो यहाँ पे किसी भी तरीके का अपराध है, कॉन्ट्रावेंशन है, या फिर यहाँ पे आप देखो कमिटेड भी अगर किया जा रहा है इंडिया के बाहर या फिर हमारे देश के टेरिटोरियल के बाहर, तो उसको भी ये कानून जो है यहाँ पे अपने जो है कॉग्निजेंस में लेती है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो इस कानून में क्या है कि लीगल वैलिडिटी दिया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, साथ ही जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, ई सिग्नेचर जो हो रहा है उसके रिकॉग्निशन के लिए भी यहाँ पे लीगल वैलिडिटी देता है। साथ ही ये एक मॉडर्न लेजिस्लेशन है जिससे कि जैसे हैकिंग है, कोई भी आपका जो डेटा है वो हैक हो रहा है, या फिर डेटा थेप्थ है, आपका कोई भी ऑनलाइन डेटा है जिसको चोरी किया जा रहा है, या फिर वायरस स्प्रेड करना हो, या फिर आइडेंटिटी थेप्थ, किसी की पहचान को यहाँ पे चोरी करना हो, डिफेमेशन करना हो, यानी कि ऐसी कुछ ऑफेंसिव मैसेज भेजना हो जिससे कि थोड़ी सी परेशानी हो या फिर किसी की इज्जत ना, ये सब पे बात आ जाए। साथ ही आप देखो कि पोर्नोग्राफी हो, चाइल्ड पोर्नोग्राफी इवन हो, साइबर यहाँ पे टेररिज्म की बात की जा रही है, क्रिमिनल यहाँ पे ऑफेंसेस है, तो कुछ ऐसी यहाँ पे आप घटना देख सकते हो कि ये सारे कुछ ऐसे एक्ट्स हैं ना जिसको कि इस कानून इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत इसको कवर किया जाता है। आईटी एक्ट का सबसे बड़ा सेक्शन है एक सेक्शन 66A, ठीक है।
6A में क्या है ना कि अथॉरिटीज़ को यहाँ पे पावर दिया जाता है कि आप किसी भी तरीके के जो भी सोशल मीडिया में कंटेंट अगर पोस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी 2015 में ये कहा गया, यानी कि ये जो सेक्शन है आईटी एक्ट का, इसको स्टक डाउन करने की बात कही गई कि किसी को भी ऑनलाइन कंटेंट को पोस्ट करने के लिए अगर अरेस्ट किया जा रहा है तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहते हुए सेक्शन 66A को यहाँ पे कहा गया कि इसको पुल डाउन कर दो, इसको स्ट्रक डाउन कर दो। और क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल 91A को यहाँ पे जो हमारा संविधान में है उसको ये वॉयलेट कर रहा है। और ये जो 2015 में ये ऑर्डर निकला था सुप्रीम कोर्ट का, ये ऑर्डर निकला है श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब जो डेटा प्राइवेसी की बात कर रहे हैं, रूल्स की बात कर रहे हैं, तो इसको 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया। अब ये जो कानून है इसमें आप देख सकते हो कि रिटन परमिशन की यहाँ पर ज़रूरत है कि कस्टमर से रिटन परमिशन ले लो बिफोर कलेक्टिंग, या फिर उनके पर्सनल डेटा को अगर कलेक्ट किया जा रहा है या फिर पर्सनल डेटा को यूज़ किया जा रहा है तो इससे पहले क्या है कि उस यूज़र को से रिटन यहाँ पर परमिशन लेने की ज़रूरत है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2021 में एक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस भी यहाँ पे लाया गया, ये कानून लाया गया, लंबा चौड़ा रूल्स लाया गया कि जो भी सोशल मीडिया में कंटेंट अपलोड होते हैं उसके लिए। ठीक है, अब देखते हैं कि एक यहाँ पे आप देखो कि अमेंडमेंट यहाँ पे की जा रही है आईटी रूल्स 2021 का, तो इसमें रखा गया सबसे पहले कि ऑब्लिगेशन ऑफ इंटरमीडियरीज, इट मीन्स कि 2021 का जो रूल्स है इसमें जो इंटरमीडियरीज होते हैं उनको यहाँ पे ज़रूरत है कि आप रूल्स वगैरह पब्लिश करो, रेगुलेशन पब्लिश करो, जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसको देखो, यूज़र एग्रीमेंट लेकर आओ जो कि एक्सेस और यूजेस के लिए हो, सर्विसेज वगैरह के लिए। तो यहाँ पे ये बात किया गया है इंटरमीडियरीज, जैसे कि आप समझ सकते हो कि जैसे कि यहाँ पे यूट्यूब है, ठीक है, तो यूट्यूब एक इंटरमीडियरीज हो गया जिसमें कि मैं यहाँ पे यूट्यूब से परमिशन ले रही हूँ कि मैं अपनी कॉन्टेंट को अपलोड कर सकूँ या नहीं। तो मैं यहाँ पे अपने कंटेंट को अपलोड करती हूँ, यूट्यूब उसको चेक करता है, उसके बाद जो है वो अप्रूवल देते हैं और आप यहाँ पे जो है आप लोग यहाँ पे वीडियोस देखते हो मेरी, तो यहाँ पे इंटरमीडियरीज कौन है जो कि हमें मुझे अप्रूवल देते हैं तब तक आपके पास तक ये वीडियो पहुँचती है। तो ये यूट्यूब हो गया जिसमें कि आप देखो कि यूट्यूब के द्वारा मुझे, यानी कि मैं यूज़र्स हूँ तो मुझे अलाउ किया गया है कि आप क्रिएट करो, अपलोड करो और शेयर करो। ठीक है, साथ ही एक्सपीरियंस रिमूवर है जो भी प्रोहिबिटेड कंटेंट है, इवन आप देखते हो कि यूट्यूब में भी आप सारी चीज़ें अपलोड नहीं कर सकते, यहाँ पे भी प्रोहिबिटेड कंटेंट का प्रोविज़न है, तो ये भी चीज़ें देखी जाती है। साथ ही अपील मैकेनिज्म है, अगर आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरी कंटेंट सही है और यूट्यूब इसको रोक रहा है तो मेरे लिए एक ग्रीवियंसेस भी होगा कि जहाँ पे मैं अपनी जो भी परेशानी है उसको मैं शेयर कर सकूँ। साथ ही यहाँ पे कमेटी भी बनाई गई है, ग्रीवियंसेस एपलेट कमेटी है जिसको कि यहाँ पे फॉर्म किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, जो कि यहाँ पे ग्रीवियंसेस ऑफिसर्स का जो भी यहाँ पे परेशानी होगी उनके डिसीजंस को यहाँ पे सुना जाएगा। साथ ही तो यहाँ पे देखते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस क्या क्या हैं। सबसे पहले सब्जेक्टिविटी कहा जा रहा है कि सेंसरशिप में कोई भी ऑब्जेक्टिव बाउंड्रीज नहीं है, इट इज़ होली रिलायंट जो कि व्यूअर्स की सेंस ऑफ मोरालिटी है, तो इसमें कोई भी बाउंड्री नहीं है कि कहाँ तक कंटेंट अपलोड करना है या फिर व्यूअर्स क्या क्या सिर्फ देख सकते हैं, ये एक प्रॉब्लम है। पोटेंशियल है कि यहाँ पे आपका मिसयूज़ हो सकता है, ओवर रेगुलेशन हो सकती है, इवन एब्यूसिव भी हो सकता है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि सेंसरशिप जो है एक स्टेट यहाँ पे प्रोवाइड करेगा जिससे कि आप देखो कि पॉलिटिकल गेन यहाँ पे मोटिवेट होगा, अपॉर्चुनिटी आएगा, मींस होगा कि किस तरीके से आइडियाज़ वगैरह या फिर एक्सप्रेशन है सिटीजन्स का उसको कंट्रोल किया जा सके। इनइफेक्टिव है सर्टेन केसेस में, आप देखो जो सेंसर्ड मटेरियल है, सेंसर्ड कहने का मतलब है कि जैसे आप देखते हो उनकी कोई मूवी जो है वो सेंसरशिप बोर्ड से पास होती है, इट मीन्स कि उस मूवी में कुछ ऐसे कंटेंट नहीं होनी चाहिए जो कि हमारे इंडियन सोसाइटी के ऊपर एक बैड इंपैक्ट हो या एडवर्स इंपैक्ट हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ सर्टेन केसेस में आप देखो कि सेंसरशिप जो है वो इनइफेक्टिव होती है। साथ ही वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि सेल्फ रेगुलेशन को इनकरेज करना होगा, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि जो रूल्स लाया गया हमारे उसमें भी ये कहा गया कि सेल्फ रेगुलेशन, जो कंटेंट प्रोवाइडर है उनको पता होना चाहिए कि आप किस तरीके के कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उससे क्या इम्पैक्ट होने वाला है। साथ ही आप देखो क्वालिफिकेशन करने की ज़रूरत है जितने भी मीडिया लॉज है, ठीक है, क्वालिफिकेशन से क्या होगा कि जो लॉज है वो यहाँ पे गवर्निंग लॉज होंगे, यानी कि उसको बेटर तरीके से कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी। जो लिमिट करना होगा जो एक्सटेंट है, यानी कि सेंसरशिप पावर ऑफ द स्टेट, साथ ही अडॉप्ट करना होगा यहाँ पे जो प्रोएक्टिव और नॉन पिनिटिव स्टेट्स है, जिससे कि जो हेट स्पीच आज की डेट में बढ़ती जा रही है उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। साथ ही जो प्रोफेशनल एजुकेशन है मीडिया में उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है, ये भी एक बात यहाँ पे निकल कर आ रही है। एथिकल स्टैंडर्ड वगैरह है जिससे कि आप देखो कि जो प्राइवेसी है, डिग्निटी है, फ्रीडम है स्पीच वगैरह का, एक्सप्रेशन का,
तो वो भी यहाँ पे उसको भी रिस्पेक्ट करना है, तो इसलिए इस एथिकल स्टैंडर्ड को भी यहाँ पे समझ के चलना है। और तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। साथ ही आप देख सकते हो कि सेंसरशिप के बारे में अगर ज़्यादा पढ़ना है तो वीकली यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो डॉक्यूमेंट्स है उस पर फोकस करें, बट दिस इज़ नॉट एज मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इस पर अभी और भी आर्टिकल्स आने वाले हैं जब ये पूरी तरीके से यहाँ पर रूल्स इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं जो न्यूज़ इन शॉर्ट्स है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये VVIP मैं यहाँ पे कहूँगी, जैसे कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके द्वारा यहाँ पे जो कुछ प्रिविलेज कहने का मतलब है कि ऐसी यहाँ पे दी जाती है चीज़ें जो कि आम जनता को नहीं दिया गया, सबको नहीं दिया जाता है, तो इस तरीके की कुछ छूट दी जाती है। तो राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं उनके द्वारा कहा गया है कि जो MPs है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, डोंट इन्जॉय एनी इम्यूनिटी फ्रॉम अरेस्ट इन क्रिमिनल केसेस। अगर क्रिमिनल केस में अरेस्ट हो रहे हैं तो यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को किसी भी तरीके की छूट नहीं देनी चाहिए। और जब हाउस जो है वो सेशन में है, इट मीन्स कि आप देखो कि टोटल तीन तरीके के सेशन होते हैं, बजट सेशन, विंटर सेशन और मानसून सेशन। ओके, तो यही चीज़ें कही जा रही है यहाँ पे राज्यसभा के चेयरमैन के द्वारा कि जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर अरेस्ट होते हैं क्रिमिनल केसेस में तो उनको किसी भी तरीके का इम्यूनिटी देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, साथ ही पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो है एक सर्टेन तरीके के राइट्स है, इम्यूनिटीज़ है, जो कि MPs के द्वारा इंजॉय किया जाता है, चाहे वो इंडिविजुअली हो या कलेक्टिवली हो। ओके, साथ ही अगर देखें तो ये सारे जो राइट्स है ये उस तरीके के इंडिविजुअल को दिया जाता है जो कि बोलते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी कमेटी में जो कि पार्लियामेंट का है। इसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी है, यूनियन मिनिस्ट्रीज भी है। जब इनमें से कोई भी राइट्स और इम्यूनिटीज़ को डिसरिगार्ड किया जाता है तो ऑफेंस यहाँ पे बन जाता है क्या, ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस, यानी कि यहाँ पे और पनिशेबल भी होता है अंडर यहाँ पे लॉ ऑफ पार्लियामेंट के तहत। तो मतलब कि ऐसा है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो हमारी जो जनता है उनके वॉइस है, तो उनको बोलने का अधिकार दिया गया है कि वो फियरलेस तरीके से, यानी कि बिना फियर के वो अपनी बातों को रख सके वहाँ पे पार्लियामेंट में, तो इसलिए उनको इस तरीके का अधिकार दिया गया है, कुछ छूट दी गई है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो स्पेशल प्रिविलेजेस भी दिया गया है अंडर आर्टिकल 105 फॉर पार्लियामेंट एंड 194 फॉर स्टेट लेजिस्लेचर, जो MLAs होते हैं, MLC होते हैं। तो वन ऑफ द प्रिविलेजेस जो है वो यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वन ऑफ द प्रिविलेज ये है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उनको सिविल केस में जो है 40 days बिफोर जो कमेंसमेंट हो रहा है सेशन का, या फिर 14 days आफ्टर जब मीटिंग कम्प्लीट हो गई है, तो उस समय जो है उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। आज तक आप देखो पार्लियामेंट में कोई ऐसा स्पेशल लॉ नहीं बना है जिससे कि सारी जितनी भी तरीके की, या तो इंडिविजुअल हो, कलेक्टिवली हो, उन सबको जितने भी प्रिविलेजेस से उनको क्वालिफाई कर सके। तो इस प्रिविलेज से फ़ायदा क्या होता है? सबसे पहला फ़ायदा यही होता है कि जो MPs है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो उनकी जो ऑनर है, उनकी जो डिग्निटी है वो मेंटेन रहती है। साथ ही जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उनको जो बोलने का अधिकार दिया गया है वो प्रोटेक्ट रहता है। इफेक्टिव फंक्शनरीज हो पाता है दोनों हाउसेस का, उनके मेंबर्स का भी। तो ये सारे प्रिविलेजेस हैं। अब देखिए 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन चुके हैं, यानी कि जगदीप धनखड़ है जिनको यहाँ पे 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया गया है। तो वाइस प्रेसिडेंट जो कि सेकंड हाईएस्ट यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, और ये आर्टिकल 63 के तहत आता है। तो फर्स्ट आर्टिकल 105 है, सेकंड आर्टिकल 194 है, थर्ड आर्टिकल 63 है, इनको याद रखना है। और इनडायरेक्ट इलेक्शन के मेथड से ये यहाँ पे इलेक्ट होकर आते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज है जिसमें कि मेंबर ऑफ बोथ दी हाउसेस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। 5 years का टर्म है जो कि ये होल्ड करते हैं, और इनको रिमूव भी किया जा सकता है, यानी कि 5 साल अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो उनसे पहले भी इनको रिज़ाइन दे सकते हैं, या फिर इनको रिमूव किया जा सकता है। जो वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं प्रेसिडेंट के बाद, वो ऑटोमेटिक राज्यसभा के चेयरमैन कहलाते हैं, यानी कि एक्स ऑफिसियो चेयरमैन कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स की अगर हम लोग बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डेटा से अगर हम लोग देखें जो कि 2018 से है, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है उसके तरफ से आप देख सकते हो कि 10,000 crore से भी ज़्यादा कलेक्ट किया गया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स के थ्रू। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स वही है कि किसी पार्टी को अगर डोनेशन देना है तो वो SBI में अकाउंट होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात कि उनके 1,000 यानी कि 100 या फिर 1,000 इसके टर्म्स में वो यहाँ पे डोनेशन दे सकते हैं। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि 10,000 crore से ज़्यादा जो है कलेक्ट किया गया है पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा। यूनियन बजट 2017-18 की बात करें तो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स जो है ये इंटरेस्ट फ्री बियरर इंस्ट्रूमेंट है, जो कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल फंडिंग का सिस्टम है उसको क्लींस करने के लिए कहा गया है, क्योंकि आपको पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में जब इलेक्शन होते हैं तो ह्यूज नंबर ऑफ मनीज़ जो है वो इनफ्लो आउटफ्लो होता है। तो ये भी एक बात यहाँ पे कही जा रही है जो कि आज भी होता है, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड लाने के बाद भी हो रहा है।
इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे ये बॉन्ड जो है वैलिड होते हैं ओनली 15 डेज, जब से इसको इशू किया जाता है या परचेज़ किया जा सकता है किसी भी सिटीजन ऑफ इंडिया के द्वारा। और सोल्ड जो होता है वो 1000 के मल्टीपल में ही है, ये आप देख सकते हो। और SBI सिर्फ ओनली बैंक है जो कि ऑथराइज है इसको बेचने के लिए। एलिजिबिलिटी देखें तो कोई भी रजिस्टर्ड जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो एटलीस्ट 1% ऑफ वोट्स जो भी पोल किया गया है मोर रिसेंट यहाँ पे जनरल और असेंबली इलेक्शन में, वो यहाँ पे दे सकते हैं। बायर्स ऑफ बॉन्ड्स जो है वो यहाँ पे फुल KYC डिटेल्स जो है वो सबमिट करेंगे एट द टाइम ऑफ बाइंग। बट जो बेनिफिशरीज जो पॉलिटिकल पार्टी होते हैं उनको यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी जो है रिवील करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कंसर्न यहाँ पे हमेशा रेज किया जाता है, तो कंसर्न यही है कि एनोनिमस डोनेशन यहाँ पे दिया जा रहा है, यानी कि ऐसा डोनेशन दिया जा रहा है जो कि फ्री और फेयर इलेक्शंस का जो प्रोविज़न है उसको कहीं ना कहीं ये वॉलेट कर रहा है। साथ ही अलाउ कर रहा है पॉसिबिलिटीज़ कि कॉर्पोरेट मिसयूज़ किया जा सके। साथ ही लैक ऑफ लेवल प्लेइंग फील्ड है, जैसा कि ये कहा जा रहा था कि जो पॉलिटिकल फंडिंग है उनको कोई पार्टीज़ को बहुत ज़्यादा पैसा दिया जाता है, कोई बहुत कम पैसा होते हैं देते हैं, तो इस तरीके का लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड लाकर बहुत ज़्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक ही जैसा पैसा मिल रहा है, वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अभी भी बहुत ज़्यादा पैसा ऐसा हो रहा है। जम्मू एंड कश्मीर इलेक्टोरल रोल है, तो JNK के जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं उनके द्वारा अनाउंस किया गया कि कोई भी जो कि जम्मू एंड कश्मीर में रह रहे हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा कि वो वोटर के जैसे वोटर इनलिस्ट करा सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर के वोटर में, और ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951 के उसके तहत। इलेक्टोरल रोल अगर हम लोग देखें तो पहले लास्ट रिवाइज किया गया था 2019 में, और जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1957 उसके तहत, ठीक है। अब जम्मू एंड कश्मीर की जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1957 है इसमें सिर्फ ओनली परमानेंट रेजिडेंट को ही यहाँ पे एलिजिबल कहा गया है कि वो वोट दे सकते हैं। अब क्या है कि अब यहाँ पे कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस जो है वो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में डिटरमाइन किया जाएगा। जैसे आर्टिकल 370 सस्पेंड किया गया है तो यहाँ पे क्या है कि सिंगल इलेक्टोरल रोल जो है अब यहाँ पे असेंबली और पार्लियामेंट्री पोल्स के लिए होगा, ठीक है। तो याद रखना है, पहले क्या था कि जम्मू एंड कश्मीर में अलग तरीके से सारी चीज़ें चलती थी विद आर्टिकल 370, पर 370 जो है अब यहाँ पे फोर्स में नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे आपका जो है इस तरीके से होगा। और नॉन परमानेंट रेसिडेंट की बात करें तो उनको भी यहाँ पे वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी जो भी यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में 1947 से रह रहे हैं उनको यहाँ पे NPR यानी कि नॉन परमानेंट रेसिडेंट जैसा इंक्लूड किया गया है। उसके आगे देखें तो रिकग्नाइज़ करने की बात की जा रही है माइनॉरिटीज़ एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कि एक पिटीशन हियर करते हुए ये देख रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ डिस्ट्रिक्ट वाइज कौन कौन से हैं। अगर हम लोग देखें तो केरल एजुकेशन जो बिल केस है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे आर्गुमेंट को रिजेक्ट कर दिया गया है कि माइनॉरिटी शुड बी आइडेंटिफाइड एट ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल। साथ ही TMAPI केस है 2002 का जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये लिंग्विस्टिक और जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है वो डिटरमाइन किया गया है, और ये देखते हुए कि स्टेट एज अ यूनिट है। माइनॉरिटी स्टेटस हमारे इंडिया में क्या है ये वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन आप देखो माइनॉरिटी के लिए फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 29 और 30, साथ ही आर्टिकल 350B है जिसमें ये मेंशन किया गया है कि स्पेशल ऑफिसर होनी चाहिए लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ऐसे माइनॉरिटी जो कि लैंग्वेज के बेसिस पे माइनॉरिटीज़ है। साथ ही सेंटर जो कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992 यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें डिक्लेयर किया गया है कि कौन कौन माइनॉरिटी है। तो हमारे कोई आर्टिकल में डिक्लेयर नहीं किया गया, ये कानून में डिक्लेयर है कि हमारे देश में कौन कौन माइनॉरिटीज़ है, तो मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन और जोरास्ट्रियन है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अगर हम लोग देखें तो ये इनैक्ट किया गया है कि एजुकेशनल राइट्स देना है, यानी कि जो भी माइनॉरिटीज़ हमारे देश में हैं उनका शिक्षा के क्षेत्र में उनका इक्वल अधिकार है। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच समझते हैं। देखिए रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जिनके द्वारा एश्योर किया गया है कि एटलीस्ट वन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होना चाहिए जो कि पूरी ईयर एक साल वो काम करे। तो आज के डेट में अगर हम लोग देखें तो टोटल 492 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मैटर करता है जिसमें कि 53 मेन केस जो है वो इन्वॉल्व है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में जिसमें कि 5 और मोर जजेस होंगे। आज के डेट में ये सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ होते हैं और एडहॉक बेसिस पे होते हैं, यानी कि उनको लगता है कि यहाँ पे देना चाहिए, बनना चाहिए, तभी बनता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस, अदरवाइज नहीं बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो आर्टिकल 143 है जिसमें कि केस जो है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जो कि यहाँ पे जो संविधान है उनके इंटरप्रिटेशन के साथ जुड़ा हुआ है। 145 का क्लॉज 3 है जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन ले सकते हैं। 2 और मोर 3 जजेस बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है जो कि अपनी इन कॉन्फ्लिक्टिंग जो जजमेंट है उसको डिलीवर करते हैं ऑन द सेम पॉइंट ऑफ लॉ। साथ ही बाद में आप देखो तो 3 जजेस बेंच जो है वो यहाँ पे बनाया जाता है कि जो भी यहाँ पे जजमेंट में करेक्टनेस लाना है, जो भी डाउट है उसको क्लियर करने के लिए लाया जाता है, ठीक है।
साथ ही अगर आप लोग देखो कि रिलेटेड डेवलपमेंट में फर्स्ट टाइम कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी जो प्रोसीडिंग है उसको लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे। और लाइव स्ट्रीमिंग का सिग्निफिकेंस क्या है, इससे ये हो पाएगा कि आप जैसे राज्यसभा लोकसभा की जो टेलीविज़न देखते हो, अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की भी प्रोसीडिंग आप ऑनलाइन देख पाओगे। इससे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी, इंक्लूसिव कहा जा रहा है, फॉस्चर एक्सचेंज हो पाएगा जस्टिस का, कि सब लोग सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग देख पाएंगे। ऐसा है कि हमारे देश में 25 हाई कोर्ट्स हैं, जिसमें से 6 हाई कोर्ट ने ये जो लाइव स्ट्रीमिंग प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट कर चुके हैं, जैसे गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, पटना और मध्य प्रदेश है। लास्ट आते हैं बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट ऑफ 1988, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी स्ट्रक डाउन किया गया है जो कि कुछ प्रोविज़न इस कानून का, तो 1988 का जो कानून है उसमें ये इंट्रोड्यूस किया गया है कि जो बेनामी ट्रांजैक्शंस होते हैं, इट मीन्स ऐसी प्रॉपर्टी जो कि अपने नाम पे लोग परचेज नहीं करते, किसी और नाम पे परचेज कर लेते हैं जो कि बेनाम होता है, या तो समटाइम्स उस प्रॉपर्टी में किसी का नाम भी नहीं होता है, तो उसको रोकना है। साथ ही रिकवर करना है प्रॉपर्टी जो कि बेनामी है, वो इलीगल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेनामी ट्रांजैक्शन कहने का मतलब है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें प्रॉपर्टी जो है किसी एक ऐसे इंसान का हो जिसको कि या तो पैसे पे किए गए हो या तो किसी के नाम पे नहीं होता, ठीक है। आप देखो 2016 में अमेंडमेंट किया गया और जो स्कोप और जो पनिशमेंट है बेनामी ट्रांजैक्शन का उसको और बढ़ाया गया। साथ ही कुछ यहाँ पे प्रोविज़न भी लाया गया कि कैसे वो बेनामी जो प्रॉपर्टी है उसको कॉन्फिस्केट किया जा सके। अब इस वर्डिक्ट के तहत देखते हैं, सेक्शन 3(2)1998 का कानून है जो कि ये कह रहे हैं यहाँ पे कि आप देख सकते हो कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि आर्टिकल 20 जो है उसको वॉयलेट कर रहा है हमारे संविधान का, यानी कि जो पनिशमेंट फॉर क्राइम, रेट्रोस्पेक्टिव जो पनिशमेंट देने की बात की जा रही है क्राइम का, उसको प्रोहिबिट किया जाता है। तो आर्टिकल 20 का, यानी कि आर्टिकल 20 क्या है ये आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में, जो कि फंडामेंटल राइट्स के तहत आता है, तो इसको ये प्रोहिबिट कर रहा है, इसको ये वॉयलेट कर रहा है। साथ ही प्यूनिटिव जो प्रोविज़न है आर्टिकल 2016 के अमेंडमेंट का सेक्शन 5 के तहत, उसको भी अप्लाइड नहीं करना है। जो प्रोसिक्यूशन है और कॉन्फिस्केशन जो प्रोसीडिंग है वो भी यहाँ पे आपका क्वेस्ट हो गया है। तो कुछ ऐसे इसके बारे में आप देखो कि नेक्स्ट मंथ में जो है इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले, क्योंकि ये एक बड़ी आर्टिकल है और बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन ये जो है इससे रिलेटेड कानून क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रीवियस ईयर जो है प्रीलिम्स में आ चुके हैं, तो उसको भी हम लोग जो है एक काम करेंगे कि जैसे पॉलिटी अभी हमारी कंप्लीट हो गई, तो इससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहे होंगे उसको मैं इकट्ठे एक साथ जो है आप लोग का प्रैक्टिस भी कराते जाऊंगी, और फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के फर्स्ट टॉपिक। लेकिन एक दिन आपका जुलाई मंथ का आएगा, फिर एक दिन आपका अगस्त मंथ का आएगा, तो ऐसे मैं लेकर चलूंगी जिससे कि दोनों मैगजीन हम लोग साइमल्टेनियसली कंप्लीट कर ले। ओके, सो गाइज दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और जो भी है अगर आप खुद से नहीं पढ़ पाते हो तो इस लेसन के हेल्प से थ्रू आप लोग जो है इस मैगजीन को कंप्लीट कर पाते होंगे। तो अगर आपको लगता है कि ये हेल्पफुल है, डेली बेसिस पे जो लेसन यहाँ पे आती है उससे आपको फ़ायदा होता है, तो उसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और इसके अलावा आपको जो भी डाउट क्वेरी सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हो। मिलती हूँ कल इसी टाइम पर, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।